पुलिस स्टेशन क्षेत्र हमेशा विवादों में रहता है। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र होने से बाहरी लोगों का आना जाना रहता है। शहर में चोरियों के प्रमाण बढ़ रहे, अवैध धंधे भी जोर शोरों से चलते दिख रहे हैं। अब वाड़ी थाने को पहली बार महिला पीआई मिली। वाड़ी पुलिस स्टेशन के पूर्व पीआई प्रदीप सूर्यवंशी की विनती बदली एक साल में हुई। उनकी जगह महिला पीआई ललिता तोड़ासी को भेजा गया। अब वाड़ी थाने पर महिला का राज होगा। शनिवार को सूर्यवंशी ने तोड़ासे को चार्ज दिया। सूर्यवंशी की बदली पुणे ग्रामीण में होने की जानकारी दी। 1998 के बैच की तोड़ासे आरपीटीएस से वाड़ी थाने में आते ही क्षेत्र का जायजा लेंगी। क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षा और अवैध धंधे पर लगाम कसने का आह्वान तोड़ासे ने दिया। क्षेत्र में हो रहे अवैध धंधे की जानकारी बिना झिझक थाने में आकर दें। महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगी। थाना क्षेत्र में शांति सुव्यवस्था को रखने काम करूंगी। जनता और पुलिस की सहयोग से असामाजिक तत्व को खत्म करने का आश्वासन पीआई ललिता तोड़ासे ने दिया। नागरिकों द्वारा सहकार्य करने का आवाहन तोड़ासे ने किया। आज रोजी माननीय सीपी साहेबांच्या आदेशाने वाड़ी पोलीस स्टेशन इथला चार्ज घेतलेला आहे। मी वाड़ी पोलीस स्टेशन हद्दीतील कायदा व सुव्यवस्था, ट्रॅफिक बाबत समस्या यांचा आढावा घेऊन मी त्या समस्या निर्माण नाही झाल्या पाहिजे याबाबत मी दक्ष राहून कारवाई करेल। तसेच महिलांविरुद्ध झालेले गुन्हे, लहान मुलींविरुद्ध गुन्ह्याविरुद्ध विशेष लक्ष देऊन त्यांच्यावर कारवाई करू आणि हे गुन्हे घडू नये याच्यासाठी प्रतिबंधक कारवाई करू। तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांच्यावर सुद्धा काही अन्याय झाला नाही पाहिजे यासाठी विशेष लक्ष देऊन कारवाई करेल। आणि मी वाडी पोलीस स्टेशन हद्दीतल्या नागरिकांना असं आवाहन करते, तुम्हाला वाडी पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये असे काही अवैध प्रकार आढळले किंवा काही असा गुन्ह्याचा प्रकार आढळला किंवा संशयित तुम्हाला कोणी आढळलं तर तसं वाडी पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन तुम्ही कधीही निसंकोचपणे तक्रार करू शकता। हीच मला वाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील सर्व नागरिकांकडून अपेक्षा राहील।